दोस्तों आज मैं चिकन मोमो बनाने की तैयारी में जा रहा हूँ। ये कटी हुई प्याज हो गया, कम से कम होगा ये आधे किलो कटी हुई प्याज, और उसके ऊपर ये कटी हुई मतलब कीमा, चिकन कीमा डाल रहा हूँ इसमें, और ये थोड़ा हाथ चिकन मसाला ज़्यादा से ज़्यादा एक चम्मच होगा, और ये काली मिर्ची कुटी हुई काली मिर्ची पिसी हुई धुली, काली मिर्च हो गया, और इसमें और आपने घर में रिफाइंड वो मक्खन जो भी हो, मलाई हो, जो भी हो डाल सकते हैं। मैं तो ये रिफाइंड ही यूज़ करता हूँ, हम बाज़ार में बेचने वाले हैं ना, तो इसीलिए रिफाइंड ही यूज़ करता हूँ। देखो इतना ये डाल दीजिए, अब जैसे कि मैं और सबको एक कट ही मिक्स कर लेना, ये स्वाद के अनुसार अजीनामक अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं अपने हिसाब से डालता हूँ। अजीनामक ये नमक अपने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। अब इसको इस तरीके से मसल दो जब तक ये घुल ना जाए, मतलब इसमें मिक्स ना हो जाए, ऐसे करके। अब ये हो गया तो यार बनाने लायक का, मोमोज बनाने लायक का हो गया, बस उस मोमोज बना सकते हो। ऐसे चूरते हैं, ऐसे चूर देना, कर दीजिए। रोटी बेल सकते हैं, ऐसे चकला बेलना है तो चकला बेलना में बेल लेना है, हमारा कुछ ज़्यादा है इसीलिए बोरी में बेलते हैं। आपने अपने हिसाब से डाल लेना कि कितना खाना है, कितना बड़ा खाना है बनाना है, उस हिसाब इस तरीके से मोड़ लेना। डिजाइन देखिए दोस्तों, ये देखिए डिजाइन वाला मोमोज बना के तैयार हो गया। ये देखिए ऐसे डिजाइन का है, ऐसे डिजाइन बनाना सीखिए। और ये हमारी पत्नी जी ने बनाए हैं, ये भाभी जी आपके, ऐसे ऐसे ये डबल वाले बनाते हैं, और ये हम सिंगल डिजाइन वाले बनाते हैं। ये देखिए आप स्टीम के लिए तैयारी हो रहा है, इतना तेल थोड़ा सा ज़्यादा हाई लगाइएगा, मोमो चिपकेगा भी नहीं और सॉफ्ट भी रहेगा। ये देखिए इसको नाटक, मम्मी को कटोरी का टोपी पहना रही है।
हाँ।